हेलो स्टूडेंट, सेवन्थ क्लास की हिंदी है और हिंदी का अपना तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियाँ। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, हिमालय की बेटियों को पढ़ते हैं। हिमालय जो अपना पर्वत है उसमें चोटियाँ वगैरह होती हैं, उनको कहते हैं। देखो, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। हिमालय की बेटियाँ का लेखक दे रखा है नागार्जुन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत यानी सभ्य शिष्ट महिलाओं की भांति वे प्रतीत होती थी, लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यदि दुबली पतली गंगा यहीं, यमुना यहीं, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी यानी भावों का स्वरूप, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर, यानी कि प्रसन्नता। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल यानी कि उत्सुकता, जानने की इच्छा, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय यानी कि आश्चर्य अचंबा नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला यानी बच्चों का खेल कूद देखकर। यहाँ से भागी जा रही हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। बेचैन यानी कि अशांत, शांत नहीं होना कर रखा है। अपने महान पिता का विराट, महान पिता, महान बहुत बड़ा, महान पिता का विराट यानी कि महान बहुत बड़ा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त यानी कि संतुष्ट नहीं होना, अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकताएँ, बंदूर यानी कि बंधी हुई गहरी अधिककाएँ यानी कि गुफाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज यानी कि हरी भरी और उपत्यकाएँ यानी कि घाटियाँ, यानी कि छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ यानी कि बंधी हुई गहरी गुफाएँ और सरसब्ज यानी कि हरे भरी उपत्यकाएँ घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन घर के लिए आया है भाई, खेल या काम करने में कौशल घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, ये पेड़ों के नाम हैं भाई, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। ओके स्टूडेंट।